हे गाइस, आई एम श्योर वेलकम बैक टू योर चैनल श्योर नाउ। सो गाइस, कैसे हो आप लोग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और गाइस ना, आज मैं बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आपके साथ अभी शायद लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि कभी कभी मेरे वीडियोज़ आते हैं, कभी कभी नहीं आते। मैंने कुछ दिन पहले एक शेड्यूल भी आपको दिखाया था कि उस शेड्यूल में मैंने क्या क्या बताया था। शेड्यूल वाइज मैंने सोचा भी था कि उस तरीके की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं, और उस तरीके से मैं मेरा जो रूटीन है मैं फिक्स करके उस तरीके से मेरा काम करूं। बट गाइज, क्या होता है ना, जब इंसान का माइंड फ्रेश होता है, इंसान का पूरा जो होता है ना, क्या बोलते हो उसे, इंसान का दिन अच्छा होता है, इंसान के मन में कुछ हलचल नहीं होती है, इंसान पूरे मन से प्रैक्टिकली माइंड से एक अच्छा फील करता है ना, उस टाइम पे बोल सकते हैं आप कि फ्रेश फील करता है, और उस टाइम पे इंसान सही चीज़ें आपको बता सकता है और आपको मनोरंजन भी कर सकता है, और उसके साथ खुद से भी वो इंजॉयमेंट कर सकता है। बट कुछ दिनों से, इवन अगर कुछ दिनों की बात नहीं कर सकता मैं, बट 15-20 दिनों से कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और ना कभी मैं सोच सकता हूँ अभी भी, क्योंकि उस बातों पे मुझे यकीन ही नहीं होता। थंबनेल में आपने देखा कि मैंने वहाँ पर क्या, आपको आपने क्या देखा है, आपको अच्छे से पता है। गाइज, रिश्ता ना कोई भी हो, मैं आज बस आपके साथ में एक मन की बातें बताना चाहता हूँ। और सीरियसली मेरा मन नहीं था आज वीडियो बनाने का, बट सोचा नहीं, अगर कुछ बातों के लिए मैंने आपसे देर की तो शायद वो बात गलत होगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से शिवर्णव को साथ में देखा है, स्टार्टिंग से आपको शिवर्णव की हर एक बात पता है आप लोगों को। तो कुछ बातें ऐसी भी है जो आपको जानने का पूरा हक है, और मैं वो बातें ज़रूर बताऊँगा। गाइज, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में आते हैं ना किसी रिलेशनशिप में, उस टाइम पे कुछ बहुत अजीब तरीके की चीज़ें दोनों पार्टनर के साथ होने लगती है। मुझे एक बात अच्छे से पता है, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस में आते हैं तब रिलेशनशिप में कभी भी बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज़ एक दो दिन भी बातचीत बंद हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रिलेशनशिप में आ जाता है, और रिलेशनशिप में एक खटास होने लगती है। ऐसी खटास गाइस कुछ दिनों से मेरे और अर्णव की रिलेशनशिप में होने लगी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैं अभी ये वक्त नहीं है आपको बताने का, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, बट बहुत कुछ चीज़ें हम दोनों के बीच में अभी आने लगी है जो मैंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि गाइस अक्सर ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वैसा होता नहीं है। मैंने शायद 15 दिन पहले से बातें मेरे साथ होने लगी है, और शायद मैंने उस टाइम पर आपके साथ मुझे लगा कि शेयर करूँ, पर मुझे लगा कि नहीं, शेयर अभी नहीं कर सकता क्योंकि शायद मेरा मन का वहम होगा वो। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी हमारे रिलेशनशिप में ना, पता नहीं, कुछ बहुत निगेटिविटी इफेक्ट आने लगा है। मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ना गाइज, आप सोचोगे कि जो शिव अर्णव या फिर जो शिव आपको रिलेशनशिप की इतनी दुहाई देता है, जो शिव आपको रिलेशनशिप के बारे में इतना ज्ञान देता है, जो शिव अपने रिलेशनशिप के बार बार हर एक वीडियो में मिसाइल देता है, वो शिव अपने रिलेशनशिप को नहीं संभाल पा रहा है। तो गाइस, कभी भी एक बात अच्छे से याद रखना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। रिलेशनशिप में कभी ऐसे भी मौके आ जाते हैं कि जहाँ पर ना चाहते हुए भी ना वो दो कपल अलग होते हैं। हालांकि अभी हम अलग नहीं हुए हैं, पर सिचुएशन वो कब आएगी मुझे नहीं पता, और मैं उस तरीके के थॉट मन में नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसी बात देखी कि आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। मन में बहुत दुख है गाइस, मैं नहीं बता पाऊँगा कि मेरे मन में अभी क्या सवाल चल रहे हैं, मेरे मन में कितनी पीड़ाएँ हैं, क्योंकि मेरे हालत से वही जान सकता है जो उस दौर से गुजरा है। हाँ, कहने वाले कुछ लोग बोलेंगे कि आपका तो सिर्फ टाइम पास था, अब तो हाँ जब आप साथ में थे तब तो बहुत अच्छा था, लॉन्ग डिस्टेंस आ गए आप दोनों एक दूसरे
आपके साथ फ्लर्टिंग करने लगे, एक दूसरे के साथ आप फ्रॉड करने लगे, एक दूसरे के साथ आप लॉयल्टी नहीं रह पाए। गाइस मुझे नहीं पता अर्णव ने अपनी तरफ से कितनी लॉयल्टी दिखाई है। हाँ मेरे मन में ट्रस्ट है, अर्णव के प्रति बहुत ट्रस्ट है कि अर्णव अभी तक किसी से नहीं मिला है और ना किसी के साथ उसने फ्लर्ट किया है। उतना ट्रस्ट मुझे अर्णव पे है, बहुत है। मेरे कुछ ऐसे दोस्तों ने भी मुझे बोला कि तेरा पार्टनर तुझसे दूर रहता है और तू यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर तू डेटिंग क्यों नहीं करता, तू लोगों से मिलता क्यों नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें लोगों ने मुझे बोली। पर गाइस इंसान जब किसी से सच्चे मन से प्यार करता है ना, उस टाइम पे उसको दुनिया का कोई भी हैंडसम लड़का क्यों ना आ जाए, वो कभी गलत पैर नहीं उठा सकता या फिर कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकता। और एट द सेम टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अर्णव ने पता नहीं अर्णव के मन में, अर्णव के दिल में क्या चल रहा है, अर्णव कुछ बातों के लिए मेरे साथ पता नहीं ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहा है, मुझे नहीं पता है। पर पिछले कुछ दिनों से अर्णव के मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मन मुटाव आने लगा है जो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और शायद जब ख़त्म होगा तो शायद हमारा रिलेशन फिर से एक रिकवर हो जाएगा। क्योंकि गाइज एक बात तो मैं भी बोल देता हूँ, मैं कभी भी सामने वाले की गलती नहीं ज़्यादा मानता, मैं उतना मानता हूँ, मैं उस बातों पे यकीन रखता हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। शायद जितना कसूर अर्णव का है उतना कसूर मेरा भी होगा, और जितना कसूर मेरा भी है उतना कसूर अर्णव का भी है। क्योंकि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी और अपने पार्टनर के प्रति ट्रस्ट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और वो बहुत मायने भी रखती है। अगर ये चीज़ें उस इंसान के मन में नहीं होगी ना, तो वो रिलेशनशिप का जो होता है ना जिंदा रहना, वो ज़्यादा देर तक नहीं जिंदा रह पाता है। मुझे नहीं पता अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ना मैं ऐसे मेरा अभी मन में हालात है कि मैं ना आपको खुल के कुछ बातें नहीं बता पा रहा हूँ और ना अभी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वैसा अभी टाइम नहीं आया है। बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भगवान जी से ज़रूर दुआ कीजिए गाइस, कि अभी जो भी मेरे और अर्णव की रिलेशनशिप में जो भी काले बादल छाए हुए हैं, वो बादल हट के एक सूरज, एक नया रोशनी का एक किरण, रोशनी की एक किरण हमारी लाइफ में आ जाए और फिर से हमारी रिलेशनशिप पहले जैसा खूबसूरत हो जाए। बस मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा गाइस, क्योंकि ना ज़्यादा बताने जाऊँगा ना तो शायद पता नहीं मेरे मन में ना। तो गाइज यही रहा आज का वीडियो, क्योंकि मुझे बातें आपको लगा कि शेयर करनी चाहिए। अगर मुझे नहीं पता इसके बाद कब वीडियो आएंगी शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि अभी फिलहाल मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ ना, मैं मेरे काम पे ध्यान दे पा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि इंसान का अगर पार्टनर उसके साथ रहता है ना तो गाइज इंसान कुछ भी कर सकता है, बट इंसान का पार्टनर और उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आने लगती हैं निगेटिव, तब इंसान का मन नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, क्योंकि सारा मन उसी टॉपिक पे जाता है, ना चाहते हुए भी उसी टॉपिक पे जाता रहता है। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि गाइज मेरे जीवन में या फिर अर्णव की लाइफ में जो भी अभी एक निगेटिविटी है वो दूर हो जाए और फिर से हमारा रिलेशनशिप जो अभी मरने लगा है वो ज़िंदा हो जाए। सो गाइज यही था आज का वीडियो, मुझे बस आपको यही बातें शेयर करनी थी, इसलिए मैं अभी टेरेस पे आके आपके साथ ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं आगे कब वीडियो आएंगी, बट फिर भी आप वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए, मैं फिर से जल्दी मिलूँगा आपसे। तब तक आप हमेशा से रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।